आज हम बात करेंगे मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन के बारे में। तो इस बायोजाइम के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक वे आइसोलेट आता है और दूसरा आता है वे प्रोटीन ब्लेंड। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये बेस्ट प्रोटीन है इंडिया का? तो इसके बारे में मैं जितना समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर इसका लेबल देखें तो उसमें इनका एक स्कूप का साइज़ है आइसोलेट के लिए वो है 31 ग्राम्स और ब्लेंड के लिए है 33 ग्राम्स, और दोनों में ही 25 ग्राम्स प्रोटीन हमें मिलता है। इसमें कोई भी अमीनो स्पाइकिंग का केस नहीं है, जितना प्रोटीन लिखा हुआ है उतना ही है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में न्यूट्रीमेड को एक बार रिव्यू किया था, उसमें बताया था उसमें अमीनो स्पाइकिंग हुई थी, वैसा इसमें कोई केस नहीं है। अमीनो एसिड प्रोफाइल भी पूरी है दोनों में, कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, बस कुछ थोड़े से आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज़ किया गया है जैसे कि सुक्रालोज वगैरह। बात करें इसके टेस्ट की तो इसका टेस्ट ओवरऑल अच्छा है, ये ज़्यादा मीठा नहीं है। इसको पीने पे फ्लेवर का टेस्ट आता है और यही बात मुझे अच्छी लगती है। मिक्सेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसको मिक्स करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आसानी से हो जाता है। अब बात करें इसकी ओरिजिनलिटी की, तो इस बात की श्योरिटी रहेगी कि ये आपको जेन्युइन ही मिलेगा, और ये लोग उस चीज़ का प्रूफ भी देते हैं। इनके प्रोटीन के डब्बे पे जो ढक्कन है उस पे QR कोड दिया हुआ है, जब आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं तो आपको मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता है। फिर आप अपनी सील पे जो दिया हुआ कोड है उसको चाहे आप वेबसाइट पे डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर आप SMS के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोटीन असली है कि नहीं। अब बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल पॉइंट की, वो है इनका EAF यानी कि एनहेंस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला, जिसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि इन लोगों ने इस प्रोटीन में एक अपना एक खुद का डेवलप किया हुआ एक एंजाइम डाला है जो कि प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और इससे जो आपका प्रोटीन वेस्ट होता था उसके चांसेस अब कम हो जाते हैं। तो मैं इनकी इस बात से सहमत भी हूँ और नहीं भी। इन्होंने कहा कि जो आपका प्रोटीन डाइजेशन है वो आपके गट माइक्रोबायोटा के बैक्टीरियाज पर काफ़ी डिपेंड करता है, और जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो कुछ हद तक रीजन स्पेसिफिकली काम करता है। जैसे अमेरिका के लोगों के खाने का पैटर्न अलग होता है, तो इसलिए उनके गट माइक्रोबायोटा के बैक्टीरियाज भी अलग होते हैं। इसी तरह से बाकी जगह के लोगों का भी गट माइक्रोबायोटा का बैक्टीरियल पैटर्न अलग अलग होता है। तो ये बायोजाइम इंडियन सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रख के उनकी बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है मैंने माना। तो इनका एंजाइम जिसे ये बायोजाइम कहते हैं वो गट माइक्रोबायोटा के प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है इंडियन बॉडीज़ के लिए, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 50% तक कर देता है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये कहते हैं कि बिना इस एंजाइम के आधा से ज़्यादा प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रह जाता था, तो इस हिसाब से तो ये अपनी खुद की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। मतलब बायोजाइम के पहले तक जितने सप्लीमेंट्स इन्होंने बना के हमें दिए हैं वो सब सही से डाइजेस्ट नहीं होते थे, मतलब कि अपना काम सही से नहीं कर रहे थे वो सप्लीमेंट्स। तो ऐसा नहीं होता है, इन्होंने लिख दिया 50% से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता है कुछ हद तक बढ़ता है, और ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके केस में बाकी प्रोटीन से रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर है, इसका मतलब ये नहीं बाकी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होते। डायमेटाइज ऑन ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स पी पी कर लोगों ने फर्जी बॉडी बना ली क्या? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यस इससे आपको फ़ायदा होगा, इन्होंने इंडिपेंडेंट रिसर्च करी है, ये इंडियन बॉडीज़ में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये कहना कि इस एंजाइम के बिना काफ़ी प्रोटीन वेस्ट हो जाता है वो सही नहीं है। आखिर बाकी ब्रांड्स भी तो अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल के देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो क्या आपको लेना चाहिए? यस डेफिनेटली गो फॉर इट। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये बायोजाइम वे अब एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इंटरनेशनल लैब एजेंसी से सर्टिफाइड है जिसका नाम है लैबडोर, और हमारे इंडिया से आज तक केवल दो ही सप्लीमेंट्स लैबडोर से सर्टिफाई हुए हैं, एक है ये मसल ब्लेज का बायोजाइम और दूसरा एज इट इज़। तो ये एक बहुत ही तगड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो क्या ये बेस्ट प्रोटीन है इंडिया का? लुकिंग एट देयर एफर्ट्स टू ट्राई एंड मेक समथिंग न्यू, देयर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी, आई कैन प्राउडली से दैट दिस इज़ द बेस्ट वे प्रोटीन इंडिया हैज़ डेवलप्ड। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ लीजिए। Thank you.